हो गया, बर्बाद हो गया सब। जब भी मुंह खोलते हो मनहूस खबरें ही सुनाते हो तुम। तो कीजिए ऐसा कुछ काम के बरसाऊ में आप पे फूल। क्या हुआ? ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? तौबा तौबा, बस ऐसे ही आप इधर उधर घुमाइए बातों को। वहाँ बालवीर ने घुमा दिया आपके सारे खेल को। ले आया है बालवीर इलाज बच्चों को ठीक करने का। क्या क्या क्या? आइए मेरे साथ आइए। देखिए हो गए सारे बच्चे बूढ़े से फिर से बच्चे। हो गया है दवा से उनका हर एक बाल काला और हाथ से आपका मुंह काला। बकवास बंद करो अपनी। हर बार ये बालवीर मुझे मात दे देता है और बुराई जीते जीते रह जाती है। लेकिन बालवीर ये मत भूलो कि जब तक भयंकर परी जीवित है बुराई जीवित है। मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक तुम्हारी अच्छाई मेरी बुराई के आगे घुटने ना देख दे। तुम मुझे जितनी बार पराजित करोगे मैं उतनी ही बार पहले से भी ज्यादा बड़ा वार करूंगी और करती रहूंगी जब तक मेरी बुराई जीत नहीं जाती। इसलिए मेरे अगले वार के लिए तैयार हो जाओ बालवीर। स्वागत है भारती के इस मैजिक शो में। थैंक यू। तो जोरदार तालियां मेरे साथी झुमरू के लिए। ये तो अभी कुछ भी नहीं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। अब आपके सामने महान जादूगर भारती एक ऐसा अद्भुत और अनोखा जादू लेकर आ रही है और उसमें मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी झुमरू। झुमरू इस संदूक में जाएंगे और उसके बाद उस संदूक से बाहर निकलेंगे।
मैजिक शो में आकर चार चांद लगा दिए, वैसे ही मैं कहना चाहूंगी कि मेरा नेक्स्ट शो मुंबई में है, तो प्लीज वहां भी आकर मेरे शो को सुपर डुपर हिट बनाइए। तो मिलते हैं मुंबई में। नहीं भयंकर परी, परीलोक से आपका जादुई दंड चुराना असंभव है। असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है तरास परी। जब मैं उन परियों से उनका परी तारा छीन सकती हूँ, तो मेरा जादुई दंड लाना कौन सी बड़ी बात है? मुश्किल इसीलिए है क्योंकि अब रानी परी वहां पर है, और अगर उनको भनक भी लग गई कि हमने आपका दंड चुराने की कोशिश की है, तो भयंकर परी वो हमें भी परीलोक में नहीं रहने देंगे। तुम डरो मत नाराज तरास, बस जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, फिर किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि परीलोक से मेरा दंड तुम दोनों ने चुराया है। ठीक है भयंकर परी, हम आपका दंड चुराने की कोशिश करेंगे। सिर्फ कोशिश नहीं, मुझे मेरा दंड चाहिए, मुझे उसकी जरूरत है बालवीर और उन परियों से टक्कर लेने के लिए। और इससे पहले कि वो परियां और बालवीर मुझ तक पहुंचे, मुझे वो दंड चाहिए ही चाहिए। और अगर तुमने मुझे मेरा वो दंड लाकर दे दिया, तो मैं तुम्हें अपनी प्रधान बनाकर भयानक लोक में रख लूंगी। ठीक है भयंकर परी, अब हम चलते हैं। अगर बना दिया परी भयंकर ने इन्हें प्रधान, तो छिलूंगा मैं क्या खास भयानक लोक में? नहीं तबाह तबाह करना होगा मुझे कुछ। छोड़ो मेरे, तोबा तोबा क्या कर रहे हो? अब क्या बताऊं मैं आपको परी भयंकर? ठीक है तो मत बताओ। हूँ मैं बताता आपको। रही थी जब आप गिड़गिड़ा, मतलब रही थी जब आप बांग अपना जादू दंड उन नाराज ताराज परियों से, तब दूसरी तरफ आई थी रानी परी और बाकी परियां आपको यहाँ भयानक लोक में ढूंढने। लेकिन हो गया खड़ा ये वीर महान बलशाली शक्तिशाली योद्धा श्री श्री तोबा तोबा, और ललकारा उन्हें ए परियो, मत करना भूल भयानक लोक की सीमा पार करने की, वरना मिटा दूंगा मैं तुम्हारा नामो निशान। तो उन्होंने मुझसे कहा, देखिए तो बात होगा जी, है नहीं हमारी कोई दुश्मनी आपसे, लेकिन है कहा परी भयंकर? जब किया मैंने उन्हें इनकार, तो कर दिया उन्होंने मुझ पे ही वार, और कर दिए मेरे गाल लाल। लेकिन नहीं बताया इस परम वीर तोबा तोबा ने कि है आप यहाँ। देखा हूं मैं कितना वफादार, अगर होता कोई और मेरी जगह तो बज गया होता कब का आपका बाजा। बेवकूफ तौबा तौबा, अगर तुम वहां परियों के साथ थे तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां नाराज तराज से अपना दंड मांग रही हूं? बेवकूफ तौबा तौबा, कब तक झूठ बोलते रहोगे तुम? पिछली बार भी तुम्हारी वजह से मैंने पृथ्वी के एक साधारण लड़के बल्लू को असाधारण समझा। मुझे तुम्हारी बातों पर रत्ती भर विश्वास नहीं है। ऐसा अनमानो मेरा कि मैंने तुम्हें फिर भी यहाँ रखा है। भरोसा तो है नहीं मुझे भी आपकी शक्तियों पर, फिर भी मानिए एहसान मेरा कि हूँ मैं आपके साथ। अगर इतनी ही कमजोर और बेकार लगती हूँ मैं तुम्हें तौबा तौबा, तो तुम यहाँ मेरे साथ भयानक लोक में क्या कर रहे हो? निकल जाओ
अभी इसी वक्त निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तुम्हारी जिम्मेदारियों और भयानक लोग से बाहर निकालती हूँ। चलो, पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप काम करो। अरे काम करने से कुछ कमाई होगी, वरना मेरा सारा पैसा तुम लोग की फीस में चला जाता है। हमें काम नहीं करना, हमें पढ़ाई करना है मामा। जुबान लड़ता है, जुबान लड़ता है। छोड़ो मामा, छोड़ो मामा, हमें पढ़ाई करनी है, हमें स्कूल जाने दो। स्कूल नहीं, रेलवे स्टेशन जाओ, बस अड्डे जाओ, जहाँ जाना है जाओ, कुछ काम करो, पैसे कमाओ, मुझे शाम तक पैसे चाहिए। हम काम करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। आज से तुम्हारा स्कूल बंद और मामा का स्कूल चालू। अरे अरे, देख के ये बुराई पृथ्वी लोक पे आ गया मजा। दिलाओ बैग, तुम भी अपना बैग दो। आज से तुम लोगों का स्कूल बैग सड़क पे और तुम लोग काम पे, समझे? चलो काम पे। बालवीर, 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 बालवीर। हाँ हाँ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, जिसको बुलाना है बुलाओ, तुम्हारा मामा किसी से डरता नहीं है। यहाँ पर भी मेरा मजा खराब कर। स्मिता, स्मिता, आ गई माँ। अच्छा, कब जा? मतलब मेरे जोक्स की किताब नहीं मिल रही है, वो माइंड कर। माइंड नहीं माँ, फाइंड। माइंड का मतलब दिमाग होता है। हाँ हाँ, वो वही, सेम टू सेम। माँ मुझे भी गैस का लाइटर नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा कि गैस कैसे जलाऊं। हाथ से? मतलब अपने हाथ से। मैंने घड़ी और चश्मा दोनों वहां रखे थे नहाने जाने से पहले, अब ना के आ गया हूँ। घड़ी मिल गई है लेकिन चश्मा नहीं मिल रहा है, पता नहीं चश्मा कहाँ चला गया। मोटा भाई, मुझे लगता है भाभी के गैस के लाइटर के साथ साथ आपका चश्मा भी चला गया है। रॉकी, चश्मा और लाइटर ऐसे चल के कैसे जा सकते हैं? पाँव से। अब मेरा मतलब है कि मेरे पाँव से मेरी पायल गायब हो गई है, मैं क्या करूं? ठीक मार। क्या? ठीक मार मार के मैं थक गया हूँ। माँ, आपने जो मुझे दवाई दी थी ना, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। ये क्या हो रहा है, आज अचानक घर से सारी चीजें गायब क्यों हो रही है? क्या है ये? मोटा भाई, ये एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स है। पता है। और ये कहाँ से आया? इसको जाके पूछे। पापा, इसमें से टिक 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 की आवाज आ रही है। कहीं इसमें बम तो नहीं है? बम, बम! अरे भाई, ये मेरी घड़ी की आवाज है, टिक टिक की, समझे? घड़ी ना, क्या डर? फिर ये क्या है? राजा, क्या है ये?
बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो तुम इनसे जबरदस्ती काम क्यों करवा रहे? क्योंकि ये किताब खाने से इनका पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। तुम्हें अपने पेट की चिंता है या इनके पेट की? मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ। बालवीर, तुम अपना ये ज्ञान है ना कहीं और जाके दो। चलो। बचाओ बालवीर, बचाओ बालवीर। तुम्हें क्या लगता है ये बालवीर तुम्हें बचाएगा? पहले मैं इस बालवीर को ही देखता हूँ। तेरी तो अब देख मैं तुझे मजा चखाता हूँ। नंदू, कोटिया, दत्ता, कहाँ गए सब के सब? भगवान वो नहीं होनी चाहिए, प्लीज प्लीज भगवान वो नहीं होनी चाहिए। हेलो बच्चों, भारती मासी आज आपको एक जादू सिखाएगी। ये क्या है? पेपर। तो ये पेपर फाड़ देते, अब इसको फोल्ड कर दो। इसको खोलो, अरे मैंने तो पेपर फाड़ा था। यही है हमारा जादू। बच्चों अब मैं बताती हूँ कि मैंने ये न्यूज़पेपर का जादू कैसे किया। पहले तो दोनों सेम साइज के न्यूज़पेपर काट लीजिए, ये देखो। फिर एक न्यूज़पेपर को ज़िगज़ैग शेप में फोल्ड कीजिए, ये इस तरह। और पहले न्यूज़पेपर के पीछे यानी कि यहाँ पर डबल टेप से चिपका दीजिए और ऐसे दिखाइए। फिर यहाँ पे हाथ रख के आप इसको यूं फाड़े। और फिर ऐसे फोल्ड कीजिए, बिल्कुल ऐसे। और फिर खोले, ये था हमारा न्यूज़पेपर का जादू। देखा बच्चों कैसे हुआ ये जादू? आप घर में प्रैक्टिस करके जरूर देखना। मारो! बस हो गया या और भी है?
मजा आता है ना, तो अब हाथ उठेगा, लेकिन इस बार मजा बच्चों को आएगा। हे नटखट परी, सिखाना है सबक इन सबको, इसलिए मारने लगे ये थप्पड़ खुद को। माफ कर दूं? ठीक है, माफ कर देता हूँ। हे नटखट परी, बुद्धू बन गया अकलमंद, इसलिए जादू हो जाए बंद। अरे रुक गया। अच्छा हुआ जादू रुक गया। बालवीर हम जाते हैं। अरे रुको रुको, इतने भी क्या जल्दी है, तुम्हारी सजा तो अभी बाकी है। हे गाल परी, हमेशा की तरह बुराई हारे, इन गुंडों को पहुंचा दे पुलिस थाने अपने गुब्बारों के सहारे। नहीं, 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 बालवीर अब हम पढ़ पाएंगे। हाँ ये लो बच्चों, जो भी बच्चा पढ़ाई करेगा और मेहनत करेगा, बालवीर उन्हें ऐसे ही तोहफे देते रहेगा। बच्चों अब जाओ और पढ़ाई करो, तुम्हें पढ़ाई करने से कोई नहीं रोकेगा। शुक्रिया बालवीर। हाँ हमेशा हमेशा कर देता है पूरा मजा किरकिराए बालवीर। अब घर जाता हूँ, वरना घर वाले चिंतित हो जाएंगे। अभी भाग जाता हूँ यहाँ से, वरना अगर देख लिया इसने मुझे तो होगी मेरी बारी अगली सजा पाने की। बालवीर और बल्लू, बालवीर बल्लू, बल्लू बालवीर। हे खबर तो बालवीर बहुत खुश होगी परी भयंकर, जब पता चलेगा उन्हें कि है रहता उनका चहेता दुश्मन बालवीर पृथ्वी लोक पर मामूली बल्लू बनकर। उठा लो मुझे। कैसे हो तुम दोनों? अरे ये क्यों आई यहाँ पे? क्या कहा? ये कैसे आई यहाँ पे? अरे डिब्बे से। आपको कोई प्रॉब्लम है? हाँ नहीं। माफ करना। अरे भारती तो बताती तो हम तुम्हें स्टेशन पर लेने आ जाते। स्मिता कैसे बताती, मालगाड़ी का स्टेशन पे आने का वक्त फिक्स थोड़ी होता है।
मतलब तो इतने बड़े वैसे बॉक्से में आई है तो मुझे लगा वहां। वैसे भारती, रेलवे वालों ने तुम्हें सीट नहीं दी। सॉरी, अरे हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंटली वापस कब जा रही हो? पापा अभी अभी तो आई है भारती मासी, और आप अभी से पूछ रहे हैं कि कब जा रहे हो। हाँ, अभी भारती मासी तो पूरा एक महीना रुकेंगी। हाँ क्या? मतलब क्या बात है, क्या बात है, ऐसा वाला वो क्या था? एक महीना। दीदी लगता है जीजू मेरे आने की खुशी से पागल हो गए है ना जीजा जी? क्या देखो ना कैसे खुशी से लाल हो गए। चश्मा तुम्हारे पास कैसे आया? चश्मा तुम्हारे पास कैसे आया? क्या जीजू, सब जीजा अपनी साली की इतनी खबर रखते हैं, आप तो भूल ही जाते हो कि आपकी साली भारती एक जादूगर है। हटिए। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। मैं बहुत ज्यादा सुखी हूँ, ये आपकी किताब। मेरी जोक्स नहीं बोल। दीदी अब मैं एक महीना रुकूंगी। बहुत अच्छे ना, ये लो तुम्हारा लाइटर, चाके खाना बनाओ, बनाते वक्त भी ऐसे ही होगा। चलो 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 मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं एक महीना यहाँ पर हूँ, खूब मस्ती करेंगे। ये लो तुम्हारी सर दर्द की गोली और ये तुम्हारी पायल। वाह भारती मासी, क्या जादू है। लेकिन भारती मासी आपने ये कैसे किया, हमें भी बताओ ना। हाँ? कैसे किया? तुम्हें पता है जादूगर कोई भी अपने मैजिक ट्रिक्स नहीं बताता, समझे? वैसे भारती तुम अचानक कैसे आ गई? हाँ बता दिया होता तो हम लोग घूमने चले जाते। हाँ? घूम के वापस आ जाते। एक्चुअली हाँ। दीदी सारा भाई हॉल में ना मेरा जादू का शो है, मैजिक शो। अरे वाह मैजिक शो। वैसे आप मेरे लिए क्या लिखेंगे? ये लो सीटी, अब अपने मोटा भाई के कान में जोर जोर से बजाओ और उनको बताओ कि तुम कितने टैलेंटेड हो। माँ, माँ, ये कब हुआ? कौन है ये? ये तो बल्लू लल्लू है। बल्लू लल्लू? बल्लू मैं भारती हूँ। चमत्कार करने वाली भारती मौसी? अरे बेटा ये चमत्कार कुछ नहीं होता, हाथ की सफाई होती है बस। चमत्कार होता है मासी? हमारा बाल वीरी तो करता है चमत्कार। अरे वो सब छोड़, पहले बता तू कैसी है। क्या कैसी हो, दिख नहीं रहा है माँ, इसे फल फूल रही है। बेटा एक बात बोलू, पापा को चश्मे के साथ भी दिखाई नहीं दे रहा। फल किधर है, सिर्फ फूल रही हूँ। ये लो, ये भारती में से लल्ली बन गई, अभी ये कुछ भी करेगी। मेरा खेलने का मन लग रहा है तो खेलूं। हाँ, घोड़ा घोड़ा खेले अंकल। क्या? आप घोड़ा बनो, मैं आपके ऊपर ऐसे बैठूंगी, फिर आप मेरे को पूरे घर की सैर कराना। ठीक है, चलो ना अंकल, चलो। बेटा छोड़ दे, गधा।
जाती हूँ मौसी को। अरे बेटा, भारती को पहले से ऐसे दौरे पड़ते हैं, कभी कभी अपने बचपने में चली जाती है और लल्ली बन जाती है। मौसी, अरे अरे लल्ली उठ जा बेटा। जादू दिखा है, पर और जादू कब दिखाओगे? शाम को मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तुम सबका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। ये कैसी हो परी भयंकर, सोच रही होगी आपकी मिला होगा कि नहीं आपका जादुई दंड उन नकारा नाराज ताराज परी को। है नहीं किसी काम की वो निकम्मी परिया। इतनी बेइज्जती करके तुम्हें यहाँ से निकाला था, तुम फिर भी बेशर्मों की तरह यहाँ चले आए। है यही फर्क उनमें और तोबा तोबा में, पर समझेंगी नहीं आप। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। अरे हिम्मत का है दूसरा नाम तोबा तोबा। बस डरता है वो आपसे, वरना वरना खैर जाने दो। तो जाओ यहाँ से, किसने रोका है? वो लाया मैं खुश खबरी से भी अच्छी खबर से कई गुना शानदार खबर आपके लिए। तुम्हारा यहाँ आना मेरे लिए खुशखबरी नहीं है बल्कि बुरी खबर है। अच्छा ठीक, अगर नहीं सुननी आपको बालवीर के बारे में खबर तो। बालवीर की खबर? क्या खबर है? अब आई लोमड़ी चाल। क्या मतलब इतनी बड़ी खुशखबरी दूं मैं इतनी आसानी से? नहीं परी भयंकर नहीं, मांगिए पहले माफी अपनी उस गलती की जो की थी आपने मुझे यहाँ से इस भयानक लोक से निकालने की। तौबा तौबा, ठीक कहा तुमने, मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें यहाँ से निकाल। मुझे तो तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। नहीं 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 परी भयंकर, है कसम मुझे मेरी प्रधान की कुर्सी की है खबर ऐसी कि पूरा भयानक लोक हिला दे। क्या खबर है जल्दी बताओ। हाँ हाँ बताता हूँ बताता हूँ। पहले कहिए कि हूँ मैं वीर शक्तिशाली बलशाली महान योद्धा श्री श्री तोबा तोबा। नहीं हाथ पीछे, चलो आइए। तौबा तौबा, तुम महान हो, तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा वीर कहीं नहीं। अब बताओ। बहुत खूब, अब बोलिए तौबा तौबा, आपकी अकलमंदी का तो कोई जवाब नहीं। आपके जैसा होशियार तो तीनों लोकों में कोई नहीं। बोलिए। तौबा तौबा, तुम जैसा होशियार और अकलमंद इस पूरे जहान में कोई नहीं। अब बताओ जल्दी। और तारीफ तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। बताओ नहीं तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दोगे। वो पता था, वो पता था।
सुन के ये खबर बिठा के रखोगी आप मुझे अपनी पलकों पर? है पता चल गया मुझे बालवीर का राज। हाँ, है पता चल गया मुझे कि है रहता बालवीर पृथ्वी लोक पर बन के बल्लू। क्या? बल्लू और बालवीर, ये वही बल्लू है ना जिसके बारे में तुमने कहा था कि उसके पास असाधारण शक्तियां हैं? हाँ। और वो बात गलत निकली थी? हाँ। इस बार कीजिए मेरा विश्वास परी भयंकर, इस बार मैंने देखा है स्वयं बालवीर को बल्लू में बदलते हुए। तो ये है तुम्हारी असलियत बालवीर। भारती मासी हमें दिखाएंगी मैजिक ट्रिक नंबर 2। लो बच्चों, आपकी भारती मासी एक बार फिर से आ गई आपको नया जादू सिखाने। ये क्या है? कप। और ये पानी। जादू, अब मैं बताऊंगी ये जादू कैसे किया। एक कप लीजिए, उसके अंदर पहले से ही टिश्यू पेपर रखिए, उसके बाद एक आइस क्यूब उसमें डाल दीजिए, फिर ऐसे करके पानी डालिए, तो ऐसे घुमाइए, हो गया हमारा कप वाला जादू। देखा बच्चों कैसे हुआ ये जादू? आप घर में प्रैक्टिस करके जरूर देखना। तो बल्लू ही बालवीर है जो मानव और मेहर के साथ रहता है। हाँ वही, तभी तो आता था वो बचाने मानव और मेहर को हमेशा। वाह तौबा तौबा, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। तुमने ये साबित कर दिया कि मैंने तुम्हारी जितनी भी झूठी तारीफ की थी है? वो सारी झूठी नहीं है। सच सच परी भयंकर, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों पर आंखें बंद करके भरोसा कर लूं। ली है कसम, मैंने परी बहन का अपने प्रधान की कुर्सी की, बोलूंगा क्यों मैं झूठ? हो सकता है तुम सच कह रहे हो, मगर मैं तभी मानूंगी जब अपनी आंखों से देख लूंगी। और तौबा तौबा, अगर ये बात गलत निकली तो मैं जिंदगी भर तुम्हें चूहा बनाकर बिल में बंद करके रखूंगी, समझे? अब चलो पृथ्वी लोग चलकर बल्लू से मिलते हैं। नाम भयंकर और बेवकूफिया उससे भी भयंकर। क्या? अरे जाओगी ऐसे ही बालवीर के सामने तो पहचान लेगा वो आपको, फिर नहीं आएगा वो कभी अपने असली रूप में। तुम ठीक कह रहे हो। हाँ, जाएंगे हम रूप बदल कर। कैसा लगा मेरा रूप तौबा तौबा? एकदम बेकार। चले? हाँ, चले। चलो चलो सब आ जाओ, मैं तैयार हूँ एकदम फटाफट, जल्दी। अरे जल्दी आओ। अरे दादी जल्दी ना। आती आती हूँ। जादू जादू जादू। यस बैठ गए। अरे जीजू आप वहाँ खड़े क्या कर रहे, आइए ना इधर। जीजू अगर आप ना आए ना तो देखना फिर। अरे कम से कम अपनी साली का टैलेंट तो देखो। मैं आती हूँ, पहले आपको कस के गले लगाऊंगी, फिर घसीटते हुए लेकर आऊंगी। आइए ना। आ रहा हूँ यार मैं।
भी मेरी बहन आती है आपका मुंह फूल जाता है। थोड़ा तो मुस्कुरा दीजिए ना। इतना ठीक है इतना? थोड़ा सा और। इतना? थोड़ा सा। रॉकी बेटा, इन बच्चों को तू यहाँ क्यों लाया है? माँ, ये बच्चे भी हम लोग के साथ मिलके ये मैजिक शो देखेंगे, इसलिए हम लोग सब मिलके देखेंगे। हाँ। अच्छा अच्छा, आ जाओ बच्चे लोग, बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। चलो 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 चलो। हाँ हाँ, बैठो बैठो। चलो बच्चों लोग ताली बजाओ एक बार। अरे बेटा वहां क्यों खड़े हो, आ जाओ बैठो, ट्रेजिक शो शुरू होने वाला है। हाँ सही काम है आपने, ट्रेजिक शो ये है। ट्रेजिक नहीं माँ, मैजिक। सेम टू सेम। हाँ हाँ। मैंने तुम्हें तुम्हारे इस रूप में पहचान लिया है बालवीर, बस एक बार तुम्हें बालवीर में बदलते हुए देख लूं, फिर एक ही वार में तुम्हें समाप्त कर दूंगी। परी भयंकर को है जांचना कि तुम ही हो बालवीर, वरना तो मौका है यही सही करने का तुम्हारा अंत बालवीर, क्योंकि रूप में बल्लू के हो तुम शक्तिहीन, कर नहीं सकते इस्तेमाल अपनी कोई भी शक्ति का। चलिए अब शुरू करते हैं अद्भुत जादू। हाँ ये देखो। अरे ये तो कुछ भी नहीं, अगला जादू देखिए आप। मजा आ रहा है ना? थैंक यू बच्चों, थैंक यू। लेकिन अब मैं ऐसा जादू करने जा रही हूँ जिसको देख के आप सबकी आंखें फटी रह जाएंगी। आज तक कभी आपने ऐसा जादू नहीं देखा होगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक साथी की जरूरत है। कौन बनेगा मेरा साथी? इससे पहले ये भारती मुझे फंसाए, मैं यहां से खिसक लेता हूँ। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे जीजा जी, अभी बताती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा साथी चाहिए जो घुटनों के बल चल के मेरे पास आए और मैं कहूँ यस, मुझे मेरा साथी मिल गया। जीजा जी तुम जीत गए, मेरे जीजा जी। कितने नॉटी हो, शक्ल से जवान लगते हो, अंदर से तो बच्चे हो। जोरदार तालियां। जीजा जी आप जीत गए। पापा, वी आर प्राउड ऑफ यू। हाँ, अब बड़ा मजा आएगा। जोरदार आखिरी बार मेरे जीजा जी के लिए तालियां बजा दीजिए। रुको रुको रुको। भाई क्यों, आखिरी बार क्यों? अरे आखिरी बार इसलिए जीजा जी कि जब दूसरी बार तालियां बजेगी तब तो जादू हो चुका होगा ना, आप भी ना।
तो आप तैयार हैं? अरे ये तैयार है, ये तालियां बजाओ। भारती रहने देना, अंदर से आपका पूरा मन कर रहा कर 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 भारती, तो जोरदार तालियां जादू शुरू करते हैं। चलिए ना जीजा जी। क्यों जीजा जी, मजा आ रहा है ना? ये देख लो, ये सीधे तो खड़े रहो जीजा जी। अरे भारती, ये तूने क्या कर दिया? ए भारती, ये क्या किया ये तूने? माँ, मेरा धड़ इधर है, मेरे पाँव इधर है, ये क्या कैसे किया ये? भारती दीदी, अब वो मोटा भाई ऐसे दो हिस्सों में ऑफिस कैसे जाएंगे? अरे बाबा, ये जादू है, मैं ठीक कर दूंगी। तुम लोग ऐसे परेशान हो रहे हो। अरे जादू तो ठीक, पहले महेश को ठीक कर। हाँ। हाँ, बाजी, प्लीज। अरे दादी घबराओ मत, ठीक हो जाएंगे, जादू है। अरे मेरे को तो मेले में जाना था, मैं इधर क्या कर रही हूँ? कौन कौन जाएगा मेले में, बोलो बोलो। हाय राम, ये तो लल्ली बन गई। अरे स्मिता, ये वापस लल्ली बन गई। भारती देख, सब बाद में, पहले इन्हें ठीक कर दे। हाँ मुझे क्या पता ये कैसे हुए। चलो ना, बोलो कौन कौन जाएगा मेले में। मेरा चलेंगे, मेला चलेंगे, मोटा भाई को भी साथ ले लो। अरे बिना पाओगे? भारती चल चल चल, मेला खत्म हो जाएगा। भारती, अरे 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 स्मिता माँ, अरे भारती माँ, स्मिता मुझे ऐसे हमें बालवीर को बुलाना चाहिए। हाँ पापा, हाँ बालवीर को बुलाओ, जल्दी बालवीर को। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और तुम्हारा राज मेरे सामने खुल जाएगा बालवीर। खुश रहो रानी परी, खुश रहो, खुश रहो नाराज तराज, खुश रहो। बताइए आप दोनों हमसे क्यों मिलना चाहती थी? रानी परी, भयंकर परी ने रेतीला दानव बनाकर बच्चों से उनका बचपन छीन कर उनको बहुत परेशान कर रखा है। इस बात से हम दोनों बहुत चिंतित हैं। लेकिन वो समस्या तो हम पहले ही दूर कर चुके हैं। हाँ रानी परी, लेकिन हम वो इसलिए कर क्योंकि उस वक्त भयंकर परी के पास उसका दंड नहीं था। सोचिए अगर भयंकर परी के पास उसका दंड होता तो क्या होता? आप दोनों चिंता मत कीजिए, भयंकर परी को उनका दंड कभी नहीं मिलेगा। रानी परी सोचिए, जो भयंकर परी सर्वदा कैद खाने से आजाद हो सकती है, वो अपना जादुई दंड पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और इसीलिए हमें ये लग कि हम आपको यहाँ पर आकर गए कि आप उस दंड को किसी सुरक्षित जगह पर छुपा दीजिए जहाँ भयंकर परी कभी ना पहुंच पाए, या फिर उस दंड को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दीजिए। हमने भयंकर परी के दंड को पहले से ही सुरक्षित जगह में छुपा रखा है। अच्छा रानी परी, कौन सी सुरक्षित जगह? वो जगह परी लोक पे ही है, लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता। हाँ रानी परी, वो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जो? विराम, इससे ज्यादा आप दोनों को जानने की आवश्यकता नहीं है। अब आप दोनों जाइए और चिंता मत कीजिए, भयंकर परी को उनका दंड कभी वापस नहीं मिलेगा।
खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। ये बल्लू तो खुद ही बालवीर बालवीर चिल्ला रहा है, तो फिर ये बालवीर कैसे हो सकता है? बालवीर, बालवीर, है नहीं चिल्लाना तुम्हें बालवीर बालवीर बल्लू डल्लू, बल्कि है तुम्हें बनना बालवीर। बालवीर, 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 बालवीर। तौबा तौबा, तुम्हारी आज खैर नहीं। कौन ही मैंने इस पर झूठ करो मेरा विश्वास। चुप। अगर ये बल्लू ही बालवीर होता तो अब तक क्या खड़ा रहता, बल्कि किसी एकांत जगह पर जाता और बालवीर बनकर ये आ चुका होता। लेकिन ये तो खुद ही बालवीर बालवीर चिल्ला रहा है। चलो भयानक लोग, फिर तुम्हें सजा दूंगी। नहीं नहीं, करो मत आप ऐसा। मैं बालवीर, बालवीर। जाओ जाओ। क्या कहा? मैं कह रहा था वो देखो है जा रहा बल्लू बालवीर बनने। चलो काम भयानक लो। अरे बेवकूफ बल्लू के पीछे। नाराज, हम यहाँ पर क्यों आए? भयंकर परी का जादुई दंड होने तरास। इतनी मेहनत अगर हमने अपनी शक्तियों को पाने के लिए की होती ना, तो हमें कब की हमारी शक्तियाँ मिल जाए। और वैसे इस भयंकर परी का तो कोई भरोसा भी नहीं। भरोसा तो परियों का भी नहीं है। कितनी बार हमने इनसे कहा है कि हमें हमारी शक्तियाँ वापस दे दो, पर ये है कि इन्हें तो कुछ सुना ही नहीं देता। तो ये भयंकर परी कौन सी कम विश्वासघात। एक बार अगर इनका मतलब हमसे निकल गया तो हमें पूछेंगी भी। एक बात याद रखो तरास, कि हम भयंकर परी से दोस्ती सिर्फ अपने फायदे के लिए रखते। ये तो रानी परी है जो हमें हमारी शक्तियां नहीं दे रही, और इसीलिए हमें उनसे अपनी ये शक्तियां छीननी पड़ रही। अच्छा वो तो ठीक है नाराज, लेकिन अब हम भयंकर परी के दंड तक पहुंचेंगे कैसे? यहाँ पर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं तरास। याद है रानी परी ने क्या कहा था? कि भयंकर परी का जादुई दंड ऐसी जगह है जहां पे उसे कोई नहीं देख सकता, और पूरे परीलोक में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जो होते हुए भी दिखाई नहीं देती। यानी ये मायावी पर्वत है। लेकिन नाराज हमारे पास तो कोई शक्तियां ही नहीं, तो हम उस अदृश्य मायावी पर्वत को कैसे ढूंढ पाएंगे? इससे तुम्हारा राज मेरे सामने खुलने ही वाला है बालवीर।
तुम्हारे बालवीर बनते ही तौबा तौबा की बात सच साबित हो जाएगी। उसके बाद अगली बार जैसे ही तुम वापस शक्तिहीन बल्लू बनोगे, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। यहाँ कोई नहीं, अब मैं बालवीर बन जाता हूँ। भारती मासी हमें दिखाएंगी मैजिक ट्रिक नंबर 3। हाय बच्चों, भारती मासी आपके लिए एक और नया जादू लेके आई। ये क्या है? गिलास, और ये टिक्का। तो अब टिक्का कैसे गायब होता है ये देखिए। टिक्का कैसे गायब हुआ ये जानना चाहते हैं? एक कांच का गिलास लीजिए, एक टिक्का लीजिए, उसको पतले धागे से टेप के साथ जोड़िए और दूसरा सिरा उसका रुमाल के साथ सेंटर से जोड़िए और उसको ऐसे पकड़े, ऐसे रखे। ये था हमारा जादू। अच्छा लगा ना? देखा बच्चों कैसे हुआ ये जादू? आप घर में प्रैक्टिस करके जरूर देखना।